नमस्कार, क्या आप ये चार विटामिन्स के बारे में जानते हैं जो ब्रेन के फंक्शन और आईक्यू को बढ़ाने में मदद करते हैं? आज मैं आपको ये चार विटामिन्स और ये किन फूड्स में पाए जाते हैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। साथ ही मैं आपको एक शक्तिशाली ड्रिंक की रेसिपी बताऊंगी जो आपको ये चारों महत्वपूर्ण विटामिन्स प्रदान करेगी। पहला विटामिन है विटामिन बी। दिमाग के स्वास्थ्य, एनर्जी और जागरूकता को बढ़ाने के लिए विटामिन बी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विटामिन बी केला, एवोकाडो, आलू, होल ग्रेन्स, बीज, दाल और डेयरी प्रोडक्ट्स, गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक में पाए जाते हैं। विटामिन बी सिक्स न्यूरोट्रांसमीटर के विकास में मदद करता है और दिमाग की प्रक्रियाओं को बढ़ाता है। एक प्रसिद्ध सप्लीमेंट है B9 या फोलेट जो दिमाग के कामकाज को सपोर्ट करता है और संतुलित मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम के स्वस्थ विकास के मेंटेनेंस के लिए विटामिन B3, B9 और B12 आवश्यक हैं। जिन लोगों में विटामिन बी की कमी होती है उनमें न केवल सीखने की क्षमता कम होती है बल्कि एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन की भी कमी होती है। आईक्यू बढ़ाने के लिए दूसरा विटामिन है विटामिन सी। इस विटामिन के कई मूल्यवान स्वास्थ्य लाभ हैं और इसलिए ये एक आवश्यक विटामिन है। ये अद्भुत विटामिन खट्टे फलों जैसे संतरे, कीवी, नींबू, पपाया, स्ट्रॉबेरी, बेल पेपर्स और अन्य सब्जियों में पाया जाता है। यहाँ तक कि एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है कि जिन लोगों ने 6 महीने तक रोजाना 1 ग्लास संतरे के रस के रूप में विटामिन सी लिया है उन्हें आईक्यू के टेस्ट में एक अच्छा स्कोर मिला और जिन्हें विटामिन सी नहीं दिया गया उन्हें इतने अच्छे नंबर नहीं मिले। विटामिन सी मेमोरी और सोच की शक्ति की रक्षा करता है। तीसरा है विटामिन डी। विटामिन डी आपके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। पालक, भिंडी और सोयाबीन में विटामिन डी पाया जाता है। ऐसे फल और सब्जियां खाने की कोशिश करें जो ताजे हों और भरपूर धूप में उगते हों। हेल्दी नर्व फंक्शनिंग और आईक्यू में सुधार और अच्छे मूड को बनाए रखने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। विटामिन डी की कमी बच्चों में सीखने की क्षमता कम कर देती है और साथ साथ में कम आईक्यू और खराब अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। इसके अलावा इस विटामिन डी की कमी डिप्रेशन ला सकती है। ये आपके हड्डियों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए इन सभी समस्याओं को रोकने के लिए सुबह या शाम को कम से कम 30 मिनट के लिए धूप लेने की कोशिश करें। चौथा विटामिन है विटामिन ई। ये विटामिन दिमाग के विकास में मदद करता है और डेवलपिंग सेल्स को सपोर्ट करता है जिससे आईक्यू बढ़ती है। पीनट्स, बादाम, सनफ्लावर सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, पालक और कद्दू, इन जैसी सब्जियों से विटामिन ई प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन ई फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए ये दिमाग और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने के लिए ब्लड और दिमाग की बाधा को हटा सकता है। ये विटामिन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान दिमाग और याददाश्त की रक्षा के लिए भी जाना जाता है। अपने फोकस, कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी को अपने सर्वोत्तम स्तर तक बढ़ाने के लिए रोजाना इन चारों विटामिन्स का सेवन करें। अब मैं आपको ये मल्टी विटामिन ड्रिंक के लिए एक रेसिपी दे रही हूँ जिसे आप ब्रेकफास्ट या मिड मॉर्निंग के दौरान ले सकते हैं। 1 कप पपाया के टुकड़े, 1 कप अनार के दाने, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच सनफ्लावर सीड का पाउडर और 150 ml होल काउ मिल्क या फोर्टिफाइड मिल्क लें। यदि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो इस मिल्क को सोया मिल्क से बदलें। पपाया, अनार और नींबू के रस के साथ काउ मिल्क या सोया मिल्क मिलाएं। ऊपर से सनफ्लावर सीड का पाउडर छिड़के और आपका मल्टीविटामिन ड्रिंक तैयार है। आप इस ड्रिंक को ऐसे भी पी सकते हैं या खाली पेट सवेरे पी सकते हैं। नींबू और पपाया विटामिन सी देते हैं। काउ मिल्क, सोया मिल्क और सनफ्लावर सीड्स विटामिन बी के अच्छे सोर्स हैं और पोमोग्रेनेट अनार विटामिन के देता है। स्वस्थ जीवन का यौगिक दृष्टिकोण शरीर, मन, नैतिक और आध्यात्मिक, इन सभी स्तरों पर स्वस्थ होना है।
अपनी प्राथमिकताओं को सही सिस्टमैटिक ढंग से निर्धारित करना और दैनिक आधार पर अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सचेत रूप से काम करना महत्वपूर्ण है। इस तरह दिमाग के स्वास्थ्य को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त पोषण और विटामिन प्रदान करना आपके स्वधर्म का एक हिस्सा है, आपका स्वयं के प्रति कर्तव्य है। शुभम अस्तु, नमस्कार।